अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट टू, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हमने फाइनेंस का जो सेशन था वो स्टार्ट कराया हुआ था, जिसमें हमने दो चैप्टर करीबन करा दिए थे, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको लीज का टॉपिक कहा था कि ठीक है ना, हम लीज़ के टॉपिक के ऊपर क्लास में भी बहुत डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक सरसरी से जायज़ा मैंने लीज़ के हवाले से आपको दे दिया था कि जब कभी कोई भी कंपनी, जैसे कोई भी किसी भी हवाले से अगर हम ये बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो लीज़ की टर्मिनोलॉजी एक्चुअली वो इस्तेमाल कहाँ होती है, डिटेल में हम इसके हवाले से जो है ना, आफ्टर ऑल जब हम चैप्टर को क्लोज़ कर रहे होंगे ठीक है ना क्लास के अंदर, तो फिर हम इसको जो है वो मज़ीद डिटेल में लेंगे, लेकिन एक सरसरी से जायज़ा लेने के बाद फिर हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। आम अल्फाजों में अगर हम कहते हैं ना लीजिंग के हवाले से, तो हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं रेंट, ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है ना। जब हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही एक्सप्लेन होता है, उसकी सेक्शन 105 के अंदर लीज को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर मेनली दो पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, एक लेजर होता है और एक लेजी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑनर होता है यानी जिसका एसेट है, सही है ना, वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है ना। अब वो जो ट्रांसफ़र करता है ना, राइट्स टू इंजॉय, सिर्फ इंजॉय करने के लिए, ये नहीं कि उसने अपनी ऑनरशिप उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दी है, सही है ना। तो वो ये फिर टाइम बता देता है कि भाई ये 5 साल के लिए, मैंने जैसे सपोज दैट आपको 5 लाख रुपये या 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि इसके बाद जैसे 5 साल का अरसा हो, 6 साल का अरसा हो, जो भी हो टाइम पीरियड, तो इसके अंदर लीज एक्चुअली क्या है, एक ट्रांजेक्शन है जिसमें जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन याद रहे राइट टू एंजॉय, सही है। ऐसा नहीं उसने पूरी मिल्कियत ट्रांसफर कर दी है सिर्फ कुछ अरसे के लिए कि भाई आप ये पैसा ले लो, ठीक है ना, और फिर इसकी अदायगी जो इतने साल बाद एज इन द फॉर्म ऑफ लीज आपको करनी है। तो इस हवाले से दो मेन पार्टीज होती हैं, लेसर होता है, ठीक है ना, लेजी होता है। फिर इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या है, काइंड्स क्या है, वो इंशाल्लाह जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसमें हम उसको जो है वो बाकायदा सही तरीके से कंडक्ट करेंगे। अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये हमारा बैंकिंग साइड का चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। काल इसको हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, सही है ना। अब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली है क्या, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट किसे कहते हैं, सही है। उर्दू में इसका मतलब, यानी चैप्टर का मफहूम पता चले पहले, तो इसका मफहूम है आलाते एतबार, सही है। तो अब क्रेडिट क्या है, बैंक क्रेडिट तो बात की बात है, पहले ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट क्या है। तो क्रेडिट क्या है, एक ऐसा प्रिविलेज है जिसके अंदर हम पहले खरीदारी कर लेते और पेमेंट हम बाद में कर रहे होते, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, टू बाय नाउ एंड पे लेटर। अब ये तो हो गया सिंपल क्रेडिट, सही है ना, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं उधार। अब बैंक क्रेडिट क्या होता है, सही है ना, ये भी पता होना चाहिए। बैंक क्रेडिट इसी से निकला है, क्रेडिट तो सिंपल हमने कह दिया भाई ये इसके अंदर आप खरीदारी पहले कर लेते, पेमेंट अदायगी बाद में करते, सिंपल उधार। अब बैंक क्रेडिट क्या होता है, बैंक क्रेडिट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये भी एक लैंडिंग होती है, ठीक है ना, ग्रांट लोन किया जाता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रखी जाती है। आपको पता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर को मैसर होती है, सही है ना, या गवर्नमेंट परचेज करती है गवर्नमेंट स्टॉक को, ठीक है ना। बैंक इंक्रीज कर देता है अपनी लैंडिंग, जब इंक्रीज करता है ना लैंडिंग, इट मींस दैट कि उसके डिपॉजिट भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे, सही है ना। इस तरह से जो लैंडर होता है उसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती फजूल के अंदर भेजा लैंड करने की, यानी वो अपने डिपॉजिट एरिया को देखते हुए एडवांसिंग लोन करता है। इसी वजह से जो बर्तानिया है ना, आज भी उसका तकरीबन 80% मनी जो है ना बैंकों में, यानी बैंक डिपॉजिट है, सही है ना, जिससे बैंक क्रेडिट बढ़ता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब बैंक के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, सही है ना, उससे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होता है। तो इकोनॉमी के अंदर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट भी जो है वो आगे बढ़ता है, लोगों की परचेजिंग पावर भी रेज होती है, तो ये हमारा कहलाता है बैंक क्रेडिट।
अब हमने क्रेडिट बता दिया, बैंक क्रेडिट बता दिया, इसके बाद है हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज अ डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर मनी ट्रांजेक्शन एज वेल एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, ये हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है ना, जो कि मनी ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, अब जैसे हमने बात करी कि भाई क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, अब एक सवाल जो हमारे जहन में आता है, भाई सारा काम कैश में हो सकता है तो हमें बैंक क्रेडिट की क्या जरूरत है, या हमें क्रेडिट की एक्चुअली जरूरत ही क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात, फॉर जब हम बिजनेस पर्पस के हवाले से बात करते हैं ना, तो कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई फर्म हो, जब उसे कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स खरीदने होते हैं ना अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, सही है ना, तो उसकी अक्सर ये कॉमन ऑब्जर्व किया गया है बिजनेस के अंदर कि लाजमी क्रेडिट की नीड होती है, ठीक है ना। तो यहां हमें पता चला कि भाई ये क्रेडिट की इंपॉर्टेंस है क्या, कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए ना, तो कारोबारी सतह के ऊपर भी ना हम जो है ना क्रेडिट के ऊपर काम करते। इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात करते तो क्रेडिट जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सही है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, सही है। बैंक क्रेडिट हमारे जितना भी होता है ना वो बहुत मुफीद होता है, खासकर किसान तबके के लिए, कि जब कभी वो परचेज कर रहे होते ट्रैक्टर खरीदने उन्हें या फर्टिलाइजर्स खरीदने, ठीक है ना, तो अगर उनके पास क्रेडिट नहीं है, मतलब ये फैसिलिटी ना हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि वो जाहिर है ये सब चीजें परचेज नहीं कर पाएंगे। खासकर हुकूमत पाकिस्तान ने, ठीक है ना, प्रोवाइड किए हैं इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, सही है ना, यानी वो क्रेडिट दिया है जिसपे इंटरेस्ट नहीं है। वजह क्या है? वजह यह कि आसानी किसान तबका जब कभी उनके पास पैसे मौजूद ना हो और वो अपनी प्रोडक्शन करना चाहें, तो वो आसानी जो है प्रोडक्शन के लिए जो भी जिन चीजों की उन्हें जरूरत हो वो आसानी खरीद सके। जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात की तो इसी तरह से अब हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर चल ही नहीं सकता जब तक कि हमारे पास रॉ फॉर्म मौजूद ना हो, सही है ना। तो सनती शोबे के अंदर भी इंडस्ट्री बड़ी जो है वो इंडस्ट्री को क्रेडिट की ज़रूरत होती है, लैंड लेनी है, कंस्ट्रक्शन का काम है, रॉ मटेरियल खरीदना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे फरोग देना है, तो यहाँ पर भी क्रेडिट ना एक अपना अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम बोलते हैं रिसोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करें, ठीक है ना, खासकर अगर पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से अगर हम बात करते, ठीक है ना, तो हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सही है ना, हम उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, हमारे पास सरमाए की कमी है, सही है ना। तो लिहाजा क्या होता है कि जब हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटीज आ जाती हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कारोबारी सतह चाहे स्मॉल हो लार्ज हो, लेकिन उसकी ज़रूरत यानी वक्ती ज़रूरत जिसमें उसे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, इनपुट खरीदना है, लाजमी उसे क्रेडिट की ज़रूरत महसूस होती है। ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो ट्रेड क्रेडिट जो है ना वो बहुत ही यूज़फुल होता है डोमेस्टिकली भी और फॉरेन कमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर भी। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड क्रेडिट के हवाले से बात करते हैं ना, तो ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है, सही है ना, जब हम ट्रेड करते हैं यानी बाइंग एंड सेलिंग करें, चाहे विद इन अ कंट्री करें या अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे करते, ठीक है ना, दोनों के अंदर हमने देखा कि हमें क्रेडिट का जो इम्पोर्टेंस है वो नज़र आती है। तो ये तो आ गया कि भाई हम क्रेडिट का इस्तेमाल एक्चुअली कर क्यों रहे। तो दीज आर ऑल द पॉइंट विच शो द रोल और द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट। बैंक क्रेडिट भी पता चल गया, अब ये क्रेडिट कहां पर किस तरह से वर्क करता है, तो वो डिवाइसेस हमारी कहलाती हैं
मनी ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है या बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास इसकी फॉर्म्स कितनी है, सही है ना। अब हम क्या देखेंगे, फॉर्म्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉन नेगोशिएबल, इंस्ट्रूमेंट। जब कभी, ठीक है ना, बाकायदा इसके हवाले से कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, ठीक है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है ना, ये तो बनाया गया था। लेकिन इससे पहले जब हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं ना, तो हमने उसको दो फॉर्म्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक कहलाता है नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा कहलाता है नॉन नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है, जो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। इस हवाले से हमारे पास एक एक्ट बना था जिसे कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन एक्सप्लेन किया गया है, सही है। रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा कि हमारे पास जो नेगोशिएबल का वर्ड है ना, एक्चुअली इसका मतलब होता है ट्रांसफर या चेंज, सही है ना, वेरी। तो जब नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की काइंड्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है ना, तो बाकायदा हमारे पास एक एक्ट मौजूद है जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहा जाता है, और उसके अंदर जो नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है ना, उन्हें अकॉर्डिंग टू द सेक्शन एक्सप्लेन किया गया है, जो आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। नॉन नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होते हैं, जिसके राइट ट्रांसफर नहीं हो सकते, सही है ना, जो चेंज नहीं हो सकता। सिंपल अगर आम अल्फाज में बात की जाए ना, तो नॉन नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के इंडोर्समेंट पॉसिबल है। इंडोर्समेंट क्या होती है, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, सुपुर्दगी यानी ट्रांसफर ऑफ राइट्स। नॉन नेगोशिएबल वो होते हैं जिसमें इंडोर्समेंट नहीं होती है, सही है ना, इसमें राइट ट्रांसफर नहीं होते। तो अब हम जब नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बात करते हैं, या काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो लाइक हमारे पास प्रोमिसरी नोट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक ड्राफ्ट है, हुंडीज है, दीज आर ऑल द काइंड और द एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विच आर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस में उनको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें हम सबसे पहले जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो है हमारे पास प्रोमिसरी नोट, सही है ना। क्या है हमारे पास प्रोमिसरी नोट, सही है। सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है ना। इसके अंदर इन्होंने तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को, सेक्शन सही है, जैसे हमारे पास सेक्शन 4, 5 एंड देन 6, ठीक है ना। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो हमारा सेक्शन 4 है, सही है ना, वो क्या है हमारा प्रोमिसरी नोट। यानी प्रोमिसरी नोट को हम सेक्शन 4 में स्टडी करेंगे। सेक्शन 5 हमारा है, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन 6 हमारा है चेक। इसके अलावा भी मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, ठीक है ना, जो हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो जब कभी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को स्टडी करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन किया गया है।
अब जब कभी आप, जैसे आज मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना, तो जब कभी आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे तो उसको उसके सेक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे, सही है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोमिसरी नोट एक्चुअली होता क्या है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है ना, नंबर वन इज प्रोमिसरी नोट, जिसे प्रो नोट भी कहा जाता है, और उर्दू में इसे कहते हैं वादा नामा, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल, सही है, जो हमारे मतलब जहन में आता है, ठीक है ना, कि चले ये तो बात बाद में आती है, पहली बात तो ये हमें पता चल गया कि प्रोमिसरी नोट को क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 4 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो जब कभी आप प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 4 का रेफरेंस जरूर देंगे, सही है ना। यहाँ पे देखिए एक्चुअली वर्ड आ रहा है प्रोमिस, प्रोमिस माने वादा करना, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर बात ही खत्म हो गई है कि अगर, अब चूंकि ये क्या है हमारे पास पार्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, डिवाइस होती है जो यूज होती है पैसे की लेन देन के लिए, ठीक है ना। तो लाजमी सी बात है यहां पर देने वाला भी होगा और लेने वाला भी होगा, समझ रहे ना बात को, यानी एक पार्टी ऐसी है जो पैसा दे रही है और दूसरी पार्टी ऐसी होगी जो पैसा ले रही होगी, यानी मेनली हमारे पास दो पार्टीज यहां पर मौजूद होंगी। इसमें होता क्या है, जैसे फर्ज कर ले, ठीक है ना, दो पार्टी है हमारे पास, पार्टी ए एंड पार्टी बी, सही है, सपोज के दो पार्टी है, सही है ना। ए जो है हमारा क्या है, सेलर, और बी क्या है हमारा, बायर या परचेजर, ठीक है ना। सेलर कौन होता है, सप्लायर होता है ना, ठीक है ना, फरोख करने वाला, और बी जो होता है हमारा बायर या परचेजर होता है। अब होता क्या है कि बी को कुछ सामान खरीदना है, उसने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, किससे खरीदना है, ए से खरीदना है, कोई गुड्स है, ठीक है ना, कि वो मुझे चाहिए आप मुझे दे दीजिए, ठीक है ना, अब मेरे पास अभी फिल वक्त रकम मौजूद नहीं है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रोमिसरी नोट लिख कर दे देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें कौन प्रॉमिस कर रहा होगा, पैसे किसको चाहिए, बायर को, तो बी जो है वो प्रॉमिस करेगा किससे, ए से, ठीक है ना, यानी ये क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ गुड्स चाहिए लेकिन फिलवक्त मेरे पास पैसे मौजूद या रकम मौजूद नहीं है, ठीक है ना, किससे चाहिए, सेलर से, तो फिर सेलर जो है अगर उसको वो गुड्स देगा, ठीक है ना, तो वो कहेगा कि भाई आप एक प्रोमिसरी नोट तहरीर करो, ठीक है ना, जिसमें हर तरह की कंडीशन डेट सब लिखी हुई होगी, फ्यूचर टाइम लिखा हुआ होगा या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होगा कि भाई इस तारीख को आपने रकम की अदायगी करनी है, या अगर वो डिमांड दे दे। इस केस के अंदर ये जो पार्टी ए है ना हमारी, उसके लिए ये बात लाजिम है कि वो जो प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट बन रहा है वो उसको लाजमी एक्सेप्ट करे, जब एक्सेप्ट करेगा तो ही इसको पैसे देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो पैसे नहीं देगा या उसको गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरी बात, जो प्रोमिसरी नोट होता है ना, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, ठीक है ना, बहुत तवील अरसे के लिए नहीं होती है, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होती है, इसके अंदर इंडोर्समेंट मुमकिन है। इंडोर्समेंट मुमकिन क्यों है, बिकॉज इट इज अ काइंड और इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पे एंडोर्समेंट है। एंडोर्समेंट में एक्चुअली होता है क्या है, या बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एंडोर्समेंट में जो है ना राइट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और। इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि भाई पर्पस तो समझ आ गया हमारे पास, पर्पस क्या था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करेगी
और दूसरा प्रॉमिस लेगी, किस लिए? पैसे की लेन देन के लिए। अब अगर प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन की तरफ अगर हम आते, ठीक है ना, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते, सही है, तो डेफिनेशन हमें देखिए क्या स्टेट करती है कि अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब पहला जो कहते हैं ना कंटेंट्स या इसेंशियल, सही है, कंटेंट्स बोले या इसेंशियल्स बोले, बात एक ही है। सबसे पहली बात ओरली होगा, राइटिंग प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा या इन राइटिंग होगा, ठीक है ना। पहली तो कंटेंट्स, पहला इसेंशियल आ गया। दूसरा देखिए, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, ना तो ये बैंक नोट है और ना ये कोई करेंसी नोट है, सही है। कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस या अनकंडीशनल ऑर्डर है। अब ये अनकंडीशनल का मतलब एक्चुअली होता क्या है, सही है ना, अनकंडीशनल का मतलब होता है गैर मशरूत। जैसे एक शख्स दूसरे शख्स से वादा कर रहा है कि भाई मैं इस टाइम पीरियड को आपको या दो महीने बाद या दस दिन गुजर जाने के बाद ये पैसा आपको मैं वापस कर दूंगा, ठीक है ना, उसमें ये शर्त लागू कर दे कि मेरी अगर अच्छी जॉब लग जाए, ठीक है, या मुझे उससे फलां से पैसे मिल जाए, तो ये क्या हुआ, कंडीशन हुई, और कंडीशन इसमें मौजूद नहीं होती। फिर टू पे साइन बाय द मेकर, जो बनाने वाला है, ठीक है ना, उसके सिग्नेचर होना मस्ट है। जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा। टू पे ऑन अ डिमांड, जब डिमांड करे, सही है ना, अगर कभी भी ए डिमांड कर दे, ठीक है, तो लाजमी बी को पैसा वापस करना होगा, ठीक है, या फिर फिक्स और अ डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, या खुद से वो उस प्रोमिसरी नोट में ना टाइम बता दे। जैसे हम इसके बाद देखिएगा स्पेसिमेंट या आपको एक नमूना बताएंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। और किसके लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी या सर्टेन सम ऑफ मनी, ओनली टू आपके लिए, या ऑर्डर हो जिसका नाम लिखा हुआ हो, यानी सर्टेन पर्सन का नाम लिखा हुआ हो, या बेरर हो, यानी जिसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि एंडोर्समेंट पॉसिबल है। अब अनकंडीशनल प्रॉमिस भी हो गया, यानी डेफिनेशन से हम इसके कंटेंट्स बाहर निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेन ऑर्डर में होना चाहिए, दूसरी बात अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है, प्रोमिसरी नोट है, लिहाजा यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्या बन रहा है, वादा बन गया है, ठीक है ना। तीसरा, प्रॉमिस किया जाएगा अदायगी का, प्रॉमिस टू पे, ठीक है ना, यानी रकम की अदायगी का प्रॉमिस किया जा रहा है, सही है। इसके बाद मेकर का सिग्नेचर होना मस्ट है, साइन बाय मेकर, ठीक है ना, मेकर का सिग्नेचर होना मस्ट है। इसके बाद मेकर का होना भी मस्ट है, ठीक है ना, सर्टेन मेकर, साथ ही साथ कौन होना चाहिए, सर्टेन पे भी होना चाहिए। समझ रहे ना बात को। फिर आपके पास अमाउंट ऑफ सम, जो इन्होंने डेफिनेशन में बताया कि तहरीरी तौर पे लिखा जाए कितने रकम के लिए ये प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है, सही है। फिर इसके बाद है वैल्यू रिसीव, मतलब आपने जो रिसीविंग देनी है वो किस में देनी है, पाकिस्तानी करेंसी। पाकिस्तानी करेंसी में आपने इसकी रिसीविंग देनी है। अभी हमने जितनी भी बात यहां पर एक्सप्लेन की है ना, तो एक्चुअली पहले तो मैंने पर्पस बताया, सही है ना, कि प्रोमिसरी नोट का एक्चुअली पर्पस है क्या हमारे पास, सही। फिर साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि देखो इसका इस्तेमाल होता है किस तरीके से, और
इस्तेमाल के साथ साथ फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है ना, कि यहाँ देख लीजिए, और जरूरी नहीं, ये तो बहुत छोटी एग्जांपल मैंने आपको दी कि एक सेलर एक बायर है, ये कंपनीज में भी बनता है प्रोमिसरी नोट, सही है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि भाई एक कंपनी जो है वो क्रेडिट के ऊपर ये सब चीजें ले रही है, तो उसने एक प्रो नोट तैयार कर दिया, सपोज 1 लाख रुपए का प्रो नोट तैयार किया, ठीक है ना, उसमें लिख दिया भाई इसकी अदायगी हम जो है वो इंस्टॉलमेंट में मतलब 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में करेंगे या 12 महीने की, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसमें उसने ये भी लिख दिया भाई इंटरेस्ट भी होगा, तो ये कंपनीज भी बनाती है प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना। लेकिन होता यही है कि परचेजर जो होता है हमारा, बायर जो होता है, वो रकम की अदायगी नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो रकम की अदायगी करने के लिए इस तरह से वो प्रोमिसरी नोट जो है वो तश्कील देता है। अब जो सेलर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जो प्रो नोट है उसका सेलर को एक्सेप्ट करना जरूरी है, अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया ना तो फिर ये वैलिड नहीं होता। तो सबसे खास बात है प्रोमिसरी नोट की, क्यों, वजह ये भी है क्योंकि ये रिटन फॉर्म में अनकंडीशनल है, किसी भी किस्म की कोई कंडीशन इस पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी, प्रॉमिस किया जाएगा अदा करने का, ठीक है ना, मेकर भी मौजूद होगा, उसका सिग्नेचर भी मौजूद होगा, समझ रहे ना बात को, फिर किस अमाउंट ऑफ मनी के लिए ये प्रो नोट तैयार किया जा रहा है वो भी, ठीक है ना, फिर साथ ही साथ जो भी रिसीविंग हो पाकिस्तानी करेंसी में होना चाहिए। अभी देखिए डेफिनेशन से मैंने यहां पर दो चीजें बोली, ऑन डिमांड और फ्यूचर डिटर्मिनेबल टाइम, तो एक तरह से हमारे पास प्रोमिसरी नोट की बेसिकली दो टाइप्स आ गई है, सही है ना, एक तो आ गई हमारे पास ऑन डिमांड, सेलर जब दिल चाहे अपनी रकम को वापस मांग सकता है, ठीक है ना, और अगर फ्यूचर डिटर्मिनेबल टाइम दिया जाए या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए तो वो प्रोमिसरी नोट हमारा कहलाता है यूसेंस, जिसके अंदर मखसूस टाइम दे दिया जाए कि भाई इस टाइम पीरियड के ऊपर, जैसे 2 महीने, जैसे 3 महीने, ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा कि आपको जो है वो ये क्या किया जाएगा, आपने रकम वापस करनी है ये टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद, ठीक है ना, इसे यूसेंस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट के हवाले से भी हमने आपको बता दिया। अब हमारे पास जो प्रोमिसरी नोट है या प्रो नोट है उसके हवाले से हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन से हम ड्राइव करेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना, जो आगे वाली लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा टॉपिक जो एज अ होमवर्क असाइनमेंट हम आपको दे के जा रहे हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बताना है, पहला सवाल है आपके लिए, शो या मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन अ बिजनेस, सही है ना, आपने ये निशानदेही करनी है कि क्रेडिट जो है वो क्या अहमियत रखता है कारोबार के अंदर विथ एग्जाम्पल, सही है, एग्जाम्पल के साथ, सही, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट बताना है बिजनेस पर्पस के लिए, और उसमें कोई ना कोई आपने एग्जाम्पल देनी है, जो अगर आपने लेक्चर सुना हुआ होगा तो आप बासानी इसका जवाब जो है वो उस लेक्चर से बना सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, गिव अनदर एग्जाम्पल, ठीक है ना, टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो नोट, सही है ना, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल देनी है जो प्रोमिसरी नोट के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर सके। तो ये दो टॉपिक हमने आपको दिए हैं एज अ होमवर्क, ठीक है ना, ये तभी करेंगे आप जब आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपने इसकी रिकॉर्डिंग बगौर सुनी होगी, बाकायदा आपकी लेक्चर कॉपी में ये सारा काम मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद की जा सकती है कि इस लेक्चर के अंदर आपको तमाम तरह चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर कोई मसला आए तो उसे नोट कर लीजिएगा, फिर टॉपिक के ख़त्म हो जाने के बाद हम उसको इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। जज़ाकअल्लाह।